हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रजनीता की गैलेक्सी। और ये बना है एक चाउमीन सुबह सुबह, क्योंकि पड़ोस वाले जो हम लोग के पास में रहते हैं, जो हम लोग जिनको दादी बोलते हैं, उनके फैमिली से बहुत सारा खाना दिया गया था, तो उनका बर्तन अभी 3 दिन पहले की बात है। सुबह सुबह मजली बुआ आई हुई थी, मेजो पीपी बोलते हैं हम लोग, तो वो आकर के जिस दिन भाई फोटा था उस दिन रगड़ा, यानी बंगाल में घुगनी बोलते हैं, बड़ी बड़ी पूड़ियाँ, उसके बाद खीर, रसगुल्ला, सब कुछ दे करके गई थी कि हम और सुमन जी मिल के खाएँ। तब ऑलरेडी सुमन जी निकल चुके थे, तो इसलिए मैंने कहा था कि अभी ठीक है रखते हैं, उसके बाद वो आएंगे, फिर दोनों मिल कर के साथ में खाएंगे। और फिर मैंने कुछ खा भी लिया हुआ था और उनका बर्तन था, तो बर्तन तो खाली नहीं देते हैं, तो इसलिए अभी ठाकुमा के घर जा रहे हैं सुमन जी सुबह सुबह। और ये देखिए, यहाँ पर ये वेट कर रहे हैं कि ये लोग आएंगे, इसके बाद इनके बर्तन को हम लोग इसमें चाउमीन भर दिए हैं, एक चाउमीन बनाए हैं बहुत सारा, और सॉस भी दे दिए हैं साथ में। और ये आई है हमारी दादी जी यानी ठाकुमा, तो ये आ करके अभी लेंगी और 10 बार बुलाएंगे कि घर आना है, बैठना है अंदर, लेकिन काम का टाइम है तो बाद में जाएंगे हम लोग। गाइस, वेलकम टू माय किचन। और आज एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जो कि अंडों से बनती है, नॉनवेज रेसिपी है, एग से बनती है। आपने चिली चिकन खाया होगा, चिली फिश खाई होगी, चिली मशरूम खाई होगी, चिली पनीर खाई होगी। आज मैं बनाकर दिखाऊंगी चिली एग। इसके लिए क्या करना है गाइस, हार्डली बॉइल्ड एग, जी हाँ, बहुत अच्छे से हार्ड बॉइल करना है, पोच वगैरह या हाफ बॉइल नहीं करना है, हार्ड बॉइल करना है एग को। और उस सारे एग को, यहाँ पर 3 अंडे मैंने लिए हैं, 3 eggs आर देयर, तो 3 अंडों का क्या करना है आपको, ऐसे छोटे छोटे पीसेस बना लेने हैं इस तरह के, ओके। स्टेप नंबर 2, यहाँ पर कड़े में मैंने ऑयल को हीट करने के लिए डाला है और सीम है बिल्कुल लोअर फ्लेम में है गैस की आंच, ठीक है, लोअर फ्लेम में गैस की आंच है और यहाँ पे ऑयल हीट हो रहा है। इन बिटवीन क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से एक कटोरे लेना है और इस कटोरे में हम लोग लेंगे मैदा, ठीक है, थोड़ा और लेंगे, 2 टेबलस्पून लिए हैं मैदा और लेंगे कॉर्नफ्लावर, 1 टेबलस्पून लेंगे कॉर्नफ्लावर और इसको मिलाना है। सो गाइज, इसमें मैदा और कॉर्नफ्लावर डाल लिए और नमक स्वाद अनुसार मिला लिए हैं। आप लोग अगर ज़्यादा नमक खाते हैं तो ज़्यादा डालिएगा, अगर कम खाते हैं, मीडियम खाते हैं, जैसा भी आपको नमक पसंद है डालिएगा। और इसमें काली मिर्च की पाउडर यानी ब्लैक पेपर की पाउडर डाल देनी है और इसको करना है फ्राई। फ्राई करते हुए गैस की आंच को कभी हम लोग हाई रखेंगे और कभी इसको लो रखेंगे, ठीक है, चलाते हुए कर देंगे लो और कभी कभी चेक करते हुए करेंगे हाई। और इस तरह से ये सारी चीजों को हमें तल लेना है, अच्छे से फ्राई करना है। और ये तल के इस तरह से तैयार है, सारे ऐसे दिख रहे हैं पकोड़े जैसे, बड़े बड़े फूल के ऐसे हो गए हैं, ये देखिए ऐसे तल गए हैं सारे, ओके, डन। अब नेक्स्ट स्टेप है प्याज और कैप्सिकम को ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कूटना है, बड़े बड़े पीसेस में, और इधर हल्का सा ऑयल हीट करना है। चाइनीज चिली आइटम्स को बनाने के लिए जैसे 3 तरह के सॉसेस की ज़रूरत होती है, तो वैसा ही मैंने सॉसेस मिक्स कर दिया है। टोमेटो केचप डाल दिए हैं, सॉस नहीं डाले हैं, और उसके साथ में सोया सॉस बहुत ही कम मात्रा में और चिल्ली सॉस भी डाल दिए हैं, ओके, और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिए हैं। लहसुन इसमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, हर चिली आइटम में ग्रीन चिलीज और लहसुन ज़्यादा चाहिए होती है, ग्रीन चिलीज भी डाल दिए हैं और
हरी प्याज यानी स्प्रिंग अनियन भी डाल दिए हैं। अभी ये सारों को मैं मिक्स कर दूंगी, जो फ्राई करके रखे थे इनको कर देंगे मिक्स। लो जी मिक्स कर दिए और इसको मिलाना है, पानी वानी कुछ नहीं डालना है। अभी ऐसे ही इसको अंदर में मसाला इसके जाना चाहिए, जैसे चिल्ली चिकन में जाती है, तो इसको ऐसे मिला के चलाना है हल्के हल्के से। और गैस की लेकिन फ्लेम हाई नहीं है, फ्लेम देखिए बिल्कुल लो है, लो फ्लेम में ही इसको ऐसे बनाते रहना है और चलाते रहना है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक। और गाइस इसको उबलने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है, वो भी फिर से लोअर आंच पर, और अजीनोमोटो थोड़ा सा स्प्रिंग कर देना है और इसको हल्के हल्के से। और गाइस ये है इस साल की लाइटिंग हमारी सामने की, घर के सामने दिवाली की लाइटिंग हर साल शेयर करती हूँ, तो इस साल भी शेयर किए। इतनी अच्छी वाइट और ग्रीन थीम में हमारी लाइटिंग थी, सामने की डेकोरेशन जिसको अभी तक ओपन नहीं किए हैं। चलिए अभी तो त्यौहार का टाइम है, तो थोड़ी बहुत दिन तक ये ऐसे ही रहे, इसके बाद हटा लेंगे। अभी ऐसे ही रहने देते हैं, एक और दिन अभी ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद हटा देंगे। तो इतना खूबसूरत लग रहा है हमारा फ्रंट यार्ड, घर के सामने वाला लॉन एरिया इतना अच्छा लग रहा है दिखने में, लुक इसका बहुत खूबसूरत आया है। और मुझे वैसे ही ग्रीन कलर बहुत पसंद है, ग्रीन इज़ माय पर्सनल फेवरेट। और वाइट कलर की लाइट बिल्कुल वाइट होनी चाहिए, फेरी लाइट जो ग्रीन और वाइट में इफ़ेक्ट देती है क्या ही बताइए। और बाहर से ऐसे दिख रहा है ये, जैसे एक ऊपर से चादर बिछा हुआ है, इतना खूबसूरत है। और इधर तारकटा की तरफ इस तरह से लगा है, पूरा ऊपर से लाइट की फिक्सिंग किए थे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी शाम का टाइम है, लगभग 7:30 के करीब टाइम हो रहा है, और छठ पूजा के लिए स्पेशली यहाँ पर दुर्गापुर में कुछ बहुत अच्छा सा स्पॉट बनाया गया है, और वहीं पे आए हैं हम लोग अभी। तो इसको इसका जो व्यू है ओवरऑल इस जगह की आपके साथ कर देते हैं शेयर। देखिए ऐसे घाट बना हुआ है यहाँ पर, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब भी बिहारी लोग आएंगे, जो भी व्रत में होंगे, कि ये लोग कैसे पूजा करते हैं, ये पूजा तो छठ मैया की होती है, सूर्य देव की पत्नी छाया जो भगवान है देवी, तो छाया जी की ये पूजा है जिनको छठ मैया कहते हैं। लेकिन इनकी पूजन प्रक्रिया की संपूर्ण विधि मैंने आज तक देखी नहीं है, पता नहीं इस साल अगर हो पाया तो ज़रूर देखूंगी और शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ में। तो ये एक इस तरह से घाट बना है जो कि टाउनशिप एरिया में ही है, और बहुत अच्छा से मतलब अरेंजमेंट कर दिए हैं ताकि आराम से लोग यहाँ पर पूजा कर सके। और छठ पूजा के लिए एक बड़ा सा पॉन्ड तालाब की ज़रूरत होती है, एक नदी भी हो तो बहुत अच्छा है, पोखर या नदी, इस तरह से एक पानी की व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है। और ऐसे लोग जा रहे हैं और अभी से तैयारी चल रही है, ये लोग भोर में आएंगे। और गेट में इस तरह से लाइटिंग है, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लुक आया है गेट का, लाइटिंग से सजा दी गई है गेट को। अभी एक के बाद एक फेस्टिवल है, छठ पूजा आ गया है, छठ मैया की पूजा भी चलेगी, और चलते चलते ही फिर से बंगाल की दुर्गा पूजा एक और है, जगत धात्री पूजा, वो भी आने ही वाली है। और ये हम लोग आए हैं फरीदपुर के तालाब में, ये देखिए पोखर है बड़ा सा फरीदपुर में, और ये पोखर को भी अच्छे से लाइटिंग से सजा दिए हैं, यहाँ भी छठ पूजा होती है। और बिहारी बहुत ज़्यादा ही है हमारे दुर्गापुर में भी, देखिए इस तरह से लाइटिंग से सजाए हैं, और रिफ्लेक्शन आ रही है पानी की, और ये पोखर खिल उठा है बिल्कुल। और इसके बाद हम लोग आ गए हैं कहाँ, देखिए ये है सिटी सेंटर दुर्गापुर, मेरा फेवरेट डिनर जोन जिसको कि कहते हैं KFC, तो वहाँ पर आ गए हैं। इस तरह से दिख रहा है रात के समय ये एरिया, और
और लो जी हम पहुंच गए हैं केएफसी में। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। अंदर जाने से पहले एक और मैं दिखा दूँ, जंक्शन मॉल दुर्गापुर, जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और कई लोगों का फेवरेट है। और जंक्शन मॉल दुर्गापुर बहुत ही सबका एक फेवरेट मॉल है और लोग बाहर से भी इसको देखने और यहाँ शॉपिंग करने आते हैं। और यहाँ का जो रोड है ये भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये जंक्शन मॉल के पास वाला जो रोड है बहुत अच्छा लगता है। ये तनिष्क ज्वेलरी गोल्ड की दुकान है और इधर से सीधे जाओगे तो आप बिग बाज़ार की तरफ, मतलब अभी स्मार्ट बाज़ार है, वहाँ पहुँच जाओगे। आइए दोस्तों, आ गए हैं हम लोग केएफसी के अंदर में। ऐसा है यहाँ का माहौल। और हम लोग पहले लिए हैं क्रिस्पी विंग्स फ्राई, हम दोनों का ही बहुत फेवरेट है। और केएफसी के चिकन में खासियत ये मुझे लगती है हमेशा, इससे पहले भी जब आई हूँ मैंने शेयर आज किया, पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, तो यहाँ का सबसे अच्छा जो लगता है वो है यहाँ के जो भी चिकन आइटम्स हैं ना, इनमें थोड़ा भी ऑयल जो है बाहर नहीं निकलता है, बिल्कुल ड्राई टाइप का क्रिस्पी आइटम सारा रहता है। और इतना हेवी था गाइस, इसको खाने के बाद में उसके बाद हम लोग लिए हैं पॉपकॉर्न चिकन, ठीक है। पॉपकॉर्न चिकन भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये मीडियम से थोड़ा सा बड़ा लार्ज है पॉपकॉर्न चिकन। और इसको खाने के बाद में और बिल्कुल भी भूख नहीं है। और यहाँ का डेकोरेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ का जो अंदर का एम्बियंस है, सिटिंग अरेंजमेंट्स है, डेकोरेशन है, सब कुछ बहुत काबिले तारीफ़ है। बिग थम्स अप फॉर केएफसी। और बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ डिनर करते हैं क्योंकि यहाँ आइटम्स जो है ना बहुत ही टेस्टी होते हैं और खाने के बाद पूरा फुल आपको फील होगा। चलिए डिनर कंप्लीट कर लिए हैं और अभी घूमते हुए हम लोग जा रहे हैं घर। तो इसी तरह से मेरी ज़िंदगी का एक और बेहतरीन दिन मैंने आपके साथ शेयर किया।